पवई सहित पूरे क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बिजली विभाग की कटौती से जनता परेशान है। ना बिजली का आने का कोई समय है ना जाने का, जिससे जनता में विद्युत विभाग के प्रति खासा रोष व्याप्त है। जिसे विरोध में आज नगर के युवाओं द्वारा तेज बारिश में भीगते हुए सड़कों पर नारेबाजी करते हुए SDM दफ्तर पहुंचे, जहां सामने बैठकर विद्युत विभाग और जिला प्रशासन होश में आओ के जमकर नारेबाजी कर टीवी फोड़ का विरोध जताया। विरोध जताने के बाद नगर के युवाओं द्वारा SDM अभिषेक सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से कटौती पर रोक लगाने, कटौती का समय निर्धारित करने, मेंटेनेंस के नाम पर कटौती पर अंकुश लगाने और मेंटेनेंस के पूर्व लोगों को सूचना देने जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। पौड़ी से संवाददाता रविशंकर सोनी की रिपोर्ट। पन्ना डिवीजन में लगातार अघोषित कटौती हो रही है। जो डी है यहाँ के त्रिवेदी जी, उनकी भ्रष्टाचारी के किस्से तो बहुत आए हैं। जब से वो डिवीजन में आए हैं, यहाँ चाहे वो व्यापारी हो चाहे किसान हो, रात में सोना मुश्किल है। मतलब एक एक घंटे में 45-45 मिनट लाइट नहीं रहती, और बार बार यहाँ के पवई के लोकल व्यापारी प्रतिष्ठित लोगों ने वहाँ जाकर आग्रह किया उन लोगों से कि लाइट में सुधार किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई लाइट में सुधार नहीं किया गया। और जो बिल आ रहे हैं उनमें अतिपूर्ण भ्रष्टाचारी की जा रही है, उनको गलत तरीके से दिया जा रहा है। जो लाइट से काम करते हैं व्यापारी, वो बहुत परेशान है। वैसे ही कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ना लोग दिन में सो पा रहे हैं, ना रात में सो पा रहे हैं, ना व्यापार कर पा रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि अगर 5 दिन के अंदर लाइट में सुधार नहीं हुआ तो सीधे उग्र आंदोलन में बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे बिना किसी ज्ञापन के। अगर 5 दिन के अंदर सुधार नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को मनमाने विद्युत विभाग द्वारा बिल दिए जा रहे हैं। माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई को, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के सामाजिक लोगों ने बार बार ज्ञापन दिए, उनके द्वारा भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मुझे लग रहा है सभी की मिलीभगत से यह काम हो रहा है, और इन ऐसे भ्रष्टाचारियों पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर वो सेंटर पर नहीं रह सकते जो अधिकारी हैं, तो वो यहाँ से जाकर नौकरी छोड़ दें। दो किसान लोगों को और यहाँ के पवई विधानसभा के लोगों को परेशान करना बंद करें।